तो कुछ साल पहले तक ना मैं एक ऐसी लड़की थी जिसको अपने साथ कोई ना कोई चाहिए होता था, चाहे वो उसकी बड़ी बहन हो, चाहे उसकी दोस्त हो, या फिर उसकी दूर की या फिर पास की कजन हो। बेसिकली कोई ना कोई उसके साथ होना चाहिए जिसके साथ वो स्कूल जाए, वो ट्यूशन जाए, या फिर कहीं और जाना चाहे तो जाए। और पता है एक बार क्या हुआ मेरी लाइफ में, स्कूल टाइम में आई वॉज गोइंग फॉर अ मार्चिंग कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में लेने से पहले वो रिहर्सल्स कराते थे मॉर्निंग के टाइम पर, तो मेरी जो फ्रेंड थी एक, उसको निकाल दिया गया था बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। एंड जब उसको निकाल दिया गया तो मुझे लगा कि मैं भी नहीं जाऊंगी उसके बिना, और फिर मैं भी गलत तरीके से कदम ताल करने लग गया और फिर मुझको भी निकाल दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उसको वापस से ले लिया गया और मैं वहीं पर रह गई। वो पूरी स्टोरी है कंप्लीट, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर रखी है। तो ऐसी भी चीजें हुई जहां पर इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को मैंने मिस किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, कि मेरी फ्रेंड नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। और ऐसे ही चीजें चलती रही मेरे साथ जब तक मैं सीए इंटर में नहीं आ गई। जब मैंने सीए को लिया ना, तो वो मैंने अपने एक फ्रेंड के कहने पर लिया था। जब उसने मुझे कॉल किया, आई सेड यस कि मैं भी सीए करूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी जा रही थी सीए करने के लिए। बट सब कुछ चेंज हो गया सीए इंटर तक आते आते, क्योंकि सीए इंटर में वो तो फेल हो गई लेकिन मैं पास हो गई। अब क्या हुआ कि जब उसने मुझे बताया कि अब मैं शायद सी आगे कंटिन्यू ना कर पाऊँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी ड्रॉप कर देना चाहिए। बट नहीं, वहां पर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया एंड काफी सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब तो लाइफ को इस तरीके से जीना ही पड़ेगा। मैं हमेशा किसी के साथ किसी का हाथ पकड़ के लाइफ में नहीं चल सकती हूँ। तो वहां पर मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी सीए की जर्नी कंटिन्यू करूंगी। एंड मेरी लाइफ बहुत ही मैजिकल तरीके से चेंज हुई जब मैंने अकेला चलना शुरू किया। मैंने अपने सी इंटर की कोचिंग्स अकेले लिए, मैंने एग्जाम्स अकेले दिए, मैंने आर्टिकल चेक के लिए फॉर्म्स भी अकेले देखना शुरू करी बिना किसी की मदद के। मेरा कोई कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, मैंने सब कुछ अपने खुद से किया था। एंड पता है जब आप अकेले चलते हो, जब आप अकेले ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, चैलेंज लेते हो ना, और उस पर काम करना शुरू करते हो, तो आप एक बहुत ही अलग, एक बेहतर इंसान निकल कर आते हो, जिसको जब आप देखोगे ना तो शायद आप भी शॉक में रह जाओगे कि अरे मैं तो कभी सोचती भी नहीं थी कि मैं ये चीज़ अकेले कर पाऊंगी, लेकिन आप वो चीज़ अकेले कर पाते हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ। इवन जीएमसीएस होती थी हमारे सीए में, अभी भी है वो। जीएमसीएस में बेसिकली 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया जाता है। तो जीएमसीएस के टाइम पर ना मैंने डिसाइड करा कि मैं जीएमसीएस के लिए अकेले जाऊंगी, मैं अपनी कोई ऑफिस फ्रेंड, किसी कलीग को साथ में लेकर नहीं जाऊंगी कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएगी तभी मैं करवाऊंगी। मैंने अकेले रजिस्ट्रेशन करवाया, मुझे एक बैच दिया गया एंड फिर मैंने उसमें जाना शुरू करा। एंड इट टर्न आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन टिल डेट, बिकॉज उसने मेरे को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हेंस किया मेरी पर्सनैलिटी को, कि मैं भी खुद देखकर दंग रह गई कि मैं ये कैसे कर सकते हो। उससे पहले ना मैं काफ़ी रिजर्व रहती थी, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी स्ट्रेंजर लोगों से। बट उस टाइम पर जब मैंने चैलेंज लिया और मैंने जाना शुरू करा ना, सरप्राइजिंगली मेरी एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी निकल कर आई, जिसको अब मुझे देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैंने एक बहुत ही सही डिसीजन लिया। तो बेसिकली उसमें क्या होता था ना कि आपके अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं जब भी कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है, वो तो क्लासेस में भी होता है, ऑफिस में भी होता है। तो ऐसे ही वहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप्स बन गए, मैं भी एक ग्रुप का पार्ट थी। बट द थिंग इज दैट मैं एक ग्रुप का पार्ट होते हुए भी बाकी ग्रुप के लोगों से भी इंगेज करती थी, कॉन्वर्सेशन करती थी। एंड वहाँ पर वो जो लोग थे ना, वो भी मुझे देख कर कहते थे कि इस पर तुम ये कैसे कर लेती हो कि बाकी तो लोग अपने अपने ग्रुप में रहते हैं लेकिन आप हर ग्रुप से बातें करती हो। और तब उसने मुझे ही बोला, एक ने नहीं काफी सारे लोगों ने आकर बोला ना, तो मुझे भी लगा यार मतलब मैं ये कर सकती हूँ, मैं ऐसे अजनबी लोगों से बात कर सकती हूँ और एक्चुअली उनको कंफर्टेबल भी फील करा सकती हूँ। तो वहां से मेरे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आया, जहां पर मैं खुद को बहुत ही शाय रिजर्व समझती थी, लेकिन वहां पर जाकर मेरी एक पर्सनैलिटी का नया रूप मुझे देखने को मिला, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट था और जो कि बात कर सकता था स्ट्रेंजर से भी, और जो कि अपने में भी अकेले में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। तो ये चीज वहां पर मुझे देखने को मिली। और जब मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस से गुजर रही थी ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने खुद को कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं अकेले कुछ भी ना कर पाऊंगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं अकेले रेस्टोरेंट्स में जाना मैंने शुरू करा, मैं अकेले बैठकर खाती थी, और उसके अलावा मैं अकेले शॉपिंग पर भी जाती हूँ, और अभी रिसेंट टाइम्स में मैं दिल्ली से बाहर भी अकेले गई हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात होगी कि हम तो अकेले ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज हमेशा मैंने खुद को किसी ना किसी के साथ पाया है और उसी में मैं कंफर्टेबल फील करती थी। बट अभी कुछ सालों से ना जो मेरे अंदर शिफ्ट आया है, इससे मैं बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ शायद कोई भी ना हो, स्टिल मैं अपनी कंपनी में बहुत खुश रहूंगी, स्टिल मैं अपने
ऊपर बहुत अच्छा काम भी कर सकती हूँ, स्टिल मैं वो सारी चीजें कर सकती हूँ अपनी लाइफ में जो मैं करना चाहती हूँ। तो जब आप अकेले चलते हो ना, जब आप एक बड़ा गोल लेकर चलते हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना होता है कि मेरे साथ कोई होगा तभी मैं वो करूंगी। नहीं, जब आप अकेले चलते हैं ना, ट्रस्ट में आप अपनी पोटेंशियल से कहीं ज्यादा कर पाते हैं। आप उस चैलेंज को अकेले लेते हैं और अकेले उसको एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। ट्रस्ट में ये आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा निखारता है। तो ये मैं क्यों आपको कह रही हूँ, बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि डर रहे होंगे कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे दी जाए तो अगर आप उसको अकेले कर पाएंगे भी या नहीं। बट ट्रस्ट में अगर ऐसे कभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, मौका आता है, देन उसको यस कह देना, क्योंकि मैं जानती हूँ एक बार आपने उसको करके निकल गए ना, ट्रस्ट मी देर इज नो गोइंग बैक। आपको खुद का ही अलग पहलू देखने को मिलेगा, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुके होंगे और शायद आप उसके बाद कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे। सो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ माई लाइफ, एंड आप मुझे बताना कि आप इसे रिलेट कर पाए या नहीं। और अगर आपके लाइफ में आगे जाकर ऐसा मौका आएगा जब आपको अकेले जाकर काम करना पड़ेगा, तो आप उससे प्रॉमिस करिए कि आप उस वक्त उस मौके को हाँ कहेंगे। ठीक है, बी अलोन, बी फेयरलेस एंड बी लिमिटलेस। विद दिस आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।